दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के दौर में हर व्यक्ति को बचत की इम्पोर्टेंस अब समझ में आ रही है। खासकर ऐसे इन्वेस्टर्स जो छोटी छोटी बचत करना पसंद करते हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि वो एक ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करें जहां एक निश्चित समय में गारंटेड रिटर्न मिले और कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। अगर आप ऐसी ही सेविंग स्कीम्स की तलाश में हैं जिनमें अच्छा रिटर्न मिले, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट भी हो और साथ ही रिस्क भी कम हो, तो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ रुख करना चाहिए। इनमें किए गए इन्वेस्टमेंट पर गारंटी के साथ साथ अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है, साथ ही आपका कोई रिस्क यानी जोखिम भी नहीं होता। आज हम आपको कुछ ऐसी ही सरकारी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं जिनमें इन्वेस्ट करके आपको कई फायदे मिलेंगे, रिटर्न भी मिलेगा, टैक्स में भी बेनिफिट मिलेगा और कोई रिस्क भी नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। दोस्तों, टैक्स सेविंग के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट आपके पर्सनल फाइनेंस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। बहुत से लोग तो टैक्स बचाने के लिए साल के अंत में इन्वेस्टमेंट करते हैं। टैक्स बचत के लिए जिन गवर्नमेंट स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं, उनमें पहली स्कीम है सरकारी प्रतिभूतियां यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। दोस्तों, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स को सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी मिलती है, लिहाजा इनके निवेश पर रिस्क तो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है और बाजार के उतार चढ़ाव से भी ये बेअसर रिटर्न आपको देती है। सरकार अपने खर्च पूरे करने के लिए सिक्योरिटीज़ इशू कर भारतीय रिजर्व बैंक RBI या आप बाकी बैंकों से कर्ज लेती हैं और बैंकों से सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टर्स को भेजती हैं। अभी तक रिटेल इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन RBI ने गिल्ट अकाउंट के जरिए रिटेल इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डायरेक्ट पैसे लगाने की परमिशन दे दी है। अभी इन सिक्योरिटीज़ पर हाल फिलहाल की बात करें तो मैक्सिमम 4.51% का सालाना ब्याज मिल रहा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 91 डेज से लेकर 40 ईयर्स तक इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी मिलती है। ऐसे में आपको बैंक FD के कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी मिलती है। अगर अभी 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और FD पर रिटर्न का कंपैरिजन करें तो FD पर जहां 5.40% का सालाना रिटर्न मिला है, वही सिक्योरिटीज़ आपको 5.80% का रिटर्न देती हैं। इसके अलावा FD पर बैंक मैक्सिमम 5 लाख की ही गारंटी लेते हैं, जबकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया गया आपका पूरा पैसा, उस पर सरकार की ओर से गारंटी मिलती है। इसका मतलब अगर कोई इन्वेस्टर 20 साल, 30 साल या 40 साल जैसे लंबे टाइम के लिए कोई सुरक्षित निवेश का विकल्प खोज रहा है तो सिक्योरिटीज़ के रूप में एकमात्र ऐसा ऑप्शन मिलता है। इन्वेस्टर्स को इन पर 2 तरीके से रिटर्न मिलता है। एक तो सालाना ब्याज दर तय होती है। फॉर एग्जाम्पल, 10 साल के इन्वेस्टमेंट पर 5.80% ब्याज हर साल मिलता रहेगा। वहीं कुछ सिक्योरिटीज़ कूपन के साथ इशू होती हैं, यानी कि 100 रुपये की सिक्योरिटी अगर 4 रुपये के कूपन पर जारी हुई है तो आपको 96 रुपीज़ की मिलेगी, लेकिन मेच्योरिटी पर जब आप उसको बेचेंगे तो 100 रुपये का ही भाव मिलेगा। इस तरह 4% का रिटर्न आपको मिलता है। अगला जो ऑप्शन आता है वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की तरफ से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करता है। रिजर्व बैंक की तरफ से ग्राम के हिसाब से गोल्ड बॉन्ड जारी होता है। इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगा सकते हैं और मैच्योरिटी के बाद उसे एनकैश करा सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट के फायदे हैं कि इसमें सालाना 2.5% का आपको रिटर्न मिलता है, गारंटीड रिटर्न मिलता है। ये पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें फिजिकल गोल्ड की तरह स्टोरेज का कोई झंझट नहीं है। फिजिकल गोल्ड इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ना तो आपको कोई लॉकर का चार्ज देना है और ना ही आपको कोई चोरी की टेंशन लेनी है। इनकी एक्सचेंज में ट्रेडिंग भी की जा सकती है। फिजिकल गोल्ड की तरह इसमें कोई GST या मेकिंग चार्ज नहीं लगता। इन्हें लोन के लिए कोलेट्रल की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें रिडीम करने पर भी कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के हर आवेदन के साथ इन्वेस्टर के पास पैन होना ज़रूरी है। गोल्ड बॉन्ड को आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन इसकी बिक्री बैंक्स, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस, NSE और BSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज के जरिए भी आप खरीद सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक में इनकी बिक्री नहीं होती। अगली जो स्कीम आती है वो है अटल पेंशन योजना।
दोस्तों अटल पेंशन योजना में ना केवल आप कम राशि जमा करवा कर हर महीने ज्यादा पेंशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, बल्कि असामयिक मृत्यु की दशा में अपने परिवार को भी इसका फायदा दिलवा सकते हैं। अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। अटल पेंशन योजना के लिए आपको बहुत कम प्रीमियम देना होता है। अगर हम इस योजना के फायदे की बात करें तो इस स्कीम के तहत अगर इन्वेस्टर की मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 50% पेंशन मिलेगी। इस स्कीम में अलग अलग उम्र और पेंशन स्लैब के हिसाब से उसे आंशिक कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर कोई 18 साल में इस स्कीम से जुड़ता है तो उसे 42 रुपीज से लेकर 210 रुपीज तक प्रति माह इन्वेस्ट करना होता है। वहीं अगर कोई 40 साल की उम्र में आवेदन करता है तो उसे 291 रुपीज से लेकर 1454 रुपीज प्रति माह का इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसमें रेगुलरली आपको 60 वर्ष की एज तक पैसा जमा करना होता है। 60 साल पूरा होने पर हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपए तक की पेंशन के रूप में आपको मिलेंगे, जितने का आपने सब्सक्राइब किया होगा। सब्सक्राइबर जितना ज्यादा पैसा जमा करेगा उसे रिटायरमेंट के बाद उतनी ही ज्यादा पेंशन मिलेगी। इस योजना की खास बात ये है कि इसमें आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट भी मिलती है टैक्स में। दोस्तों अटल पेंशन योजना के तहत इन्वेस्टर मंथली, क्वार्टरली या सेमी एनुअल यानी 6 माह की अवधि में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको ऑटो डेबिट की फैसिलिटी भी मिलती है, यानी कि आपके अकाउंट से तय राशि अपने आप कटकर पेंशन अकाउंट में जमा हो जाएगी और इसमें इन्वेस्टमेंट करने पर आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम आती है वो आती है नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS। दोस्तों NPS को जनवरी 2004 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए शुरू किया गया था। इसे 2009 में सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया। कोई भी व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में रेगुलर रूप से कंट्रीब्यूट कर सकता है और कंट्रीब्यूशन के बाद जो एक इकट्ठा हुआ अमाउंट है उसके एक हिस्से को तो वो एक बार निकाल सकता है और बची हुई राशि का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्राप्त करने के लिए कर सकता है। व्यक्ति के निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न से NPS खाता बढ़ता है। कोई भी भारतीय नागरिक रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। इस स्कीम में 18 से 60 साल का व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है। सरकार ने NPS से अंतिम निकासी पर भुगतान की छूट की सीमा को 40% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। NPS के तहत निवेश की गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इससे आपको मिलने वाली सालाना वृत्ति पर जरूर टैक्स लगता है। अगली जो स्कीम आती है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों बेटी के सुनहरे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इस योजना के अंतर्गत किया गया निवेश एक ओर रिस्क फ्री होता है, वहीं दूसरी तरफ ये बेहतर रिटर्न भी देता है। इस योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बच्ची का अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस या किसी भी बड़े बैंक में आसानी से खुल जाता है। वैसे तो स्कीम के अंतर्गत मैक्सिमम 2 बच्चियों का ही अकाउंट खुल सकता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में 3 बच्चियों का खाता भी स्कीम के तहत खुल सकता है। नए नियम के तहत सुकन्या अकाउंट गोद ली हुई बिटिया के नाम पर भी खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि खाते को मिनिमम 250 रुपए से खुलवाया जा सकता है और एक वित्त वर्ष में मिनिमम 250 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक तय की गई है। अगली जो स्कीम आती है वो है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना सीनियर सिटीजन के लिए अवेलेबल पेंशन स्कीम है। मासिक पेंशन का विकल्प चुनने पर वरिष्ठ नागरिकों को स्कीम में 10 साल तक एक तय दर से गारंटी शुदा पेंशन मिलती है। ये स्कीम डेथ बेनिफिट की भी पेशकश करती है। इसके तहत नॉमिनी को खरीद मूल्य वापस किया जाता है। पहले ये पॉलिसी बहुत कम पीरियड के लिए खुली थी, फिर इसकी अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दी गई। अब इसे और 3 साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। स्कीम में मिनिमम एंट्री एज 60 ईयर्स है, यानी कि 60 साल या इससे ज़्यादा के सीनियर सिटीजन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। एक व्यक्ति मैक्सिमम 15 लाख रुपए स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। पॉलिसी के 3 सालों के बाद PMVVY पर लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। अधिकतम लोन रकम परचेज प्राइस का 75% से ज़्यादा नहीं हो सकता। मोदी सरकार की इस स्कीम का फ़ायदा भारतीय जीवन बीमा निगम के जरिए उठाया जा सकता है। इसमें सालाना 7.40% की दर से ब्याज मिलता है।
यही वजह है कि अब तक करीब 6.28 लाख लोग इस स्कीम का लाभ ले चुके हैं। अगला जो आता है वो आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC एक ऐसा टूल है जिसमें निवेश करके आपका पैसा तो बढ़ता ही है, साथ ही आपको टैक्स में भी फायदा मिलता है। वहीं सरकार की तरफ से NSC में किए गए निवेश पर ब्याज भी काफ़ी अच्छा मिलता है। सरकार की तरफ से NSC में किए गए इन्वेस्टमेंट पर ब्याज तो बढ़िया मिलता ही है, सबसे अच्छी बात ये है कि ये सरकारी स्कीम है, इसीलिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एकदम सुरक्षित होता है। इसमें निवेश करने के लिए आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मैच्योरिटी का समय 5 साल का होता है और इसमें किए गए इन्वेस्टमेंट पर 80C के तहत 1.5 लाख रुपए पर टैक्स छूट भी पाई जा सकती है। नेक्स्ट जो आता है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। इसमें निवेश के बाद अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। मोदी सरकार ने 9 मई 2015 को इस योजना की शुरुआत की थी। आप अगर चाहें तो इसमें पैसे लगाकर टैक्स का बेनिफिट लेने के साथ साथ अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसे हम PMJJBY भी कहते हैं, में बीमा खरीदने के लिए किसी भी तरह की मेडिकल जांच की कोई जरूरत नहीं होती। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत टर्म प्लान लेने के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 50 साल है। इस पॉलिसी की मैच्योरिटी की उम्र 55 साल है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत टर्म प्लान को हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। इसमें अश्योर्ड अमाउंट यानी कि बीमा की जो रकम है वो 2 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए सालाना प्रीमियम 330 रुपए है। ये रकम आपके बैंक खाते से ECS के जरिए काट ली जाती है। योजना की रकम में बैंक प्रशासनिक शुल्क लगाते हैं। इसके अलावा इस रकम पर GST भी अप्लीकेबल होता है। PMJJBY पॉलिसी किसी भी तारीख को खरीदी गई हो, पहले साल के लिए उसका कवरेज अगले साल 31 मई तक ही होता है। तो दोस्तों, इन 8 गवर्नमेंट स्कीम्स में पैसा लगाकर आप बेहतर रिटर्न और सुरक्षित निवेश दोनों ही बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।